हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, फाइनली काफ़ी देर के बाद, काफ़ी परेशानी उठाने के बाद लालबाग पहुंच चुका हूं। लालबाग आज से लगभग 6 साल पहले मैं आया था, आप लोग स्क्रीन पर फ़ोटो भी देख सकते हैं, बट उस टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और आज के डेट पे, आज के समय पे लालबाग का अंदर का टिकट भी लागू हो गया है। टिकट प्राइस की बात करूँ तो 30 रुपीज़ है, और अपना जो भी लेगा सामान वगैरह है उसका अलग अलग रुपया है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया हूं परेशानी उठाने के बाद। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्पेशली मैं लाल बाग दिखाने के लिए बेंगलुरु आया हूँ। इससे पहले मैं बेंगलुरु आ चुका था और मुझे जाना तो है केरला मैंगलोर। तो मुझे कुछ समय मिला है, लगभग 4 से 5 घंटा, उसके बीच मैं आपको बेंगलुरु का कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लाल बाग आया हूँ, तो देख लीजिए लाल बाग जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है बेंगलुरु के अंदर की टूरिज्म की बात करूँ, टूरिज्म प्लेस की बात करूँ तो फर्स्ट या फिर सेकेंड पे ये लाल बाग आता है। और लाल बाग आपको बता दूँ कि दिल्ली का मुगल गार्डन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो मुगल गार्डन से कुछ कम नहीं है। तो बहुत ही बड़ा एरिया है, इसका हिस्ट्री तो मैं इतना बता ही सकता हूँ। फिलहाल धूप पड़ रही है जिसकी वजह से उसमें लोग नहीं आए हुए हैं, नहीं तो शाम का टाइम, इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम लोग भरे रहते हैं यहाँ पर। स्पेशली मॉर्निंग टाइम लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। तो मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊँगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, यही सब है यार। अंदर भी जाऊंगा और इधर क्या चीज़ है मैं जाने की मैं कोशिश करूंगा। टिकट लगा है इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी के साथ दिखाने की प्रयास करूंगा, और मैं भी घूमूंगा। इधर क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, इधर तो खास कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घर बने हुए हैं और मेरे ख्याल से स्टाफ लोग रहते होंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं तो मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो कुछ नहीं है, और उधर काम चल रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आज से लगभग 6 साल पहले आया था तो कुछ और दिख रहा था, ये कुछ और दिख रहा है। लेकिन एक बात तो ही कि जब मैं 6 साल पहले आया था तो उस टाइम कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है हरियाली था, अब धीरे धीरे हरियाली ख़त्म होते जा रहा है। इसका रीज़न क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, जैसे कि ये देख पा रहे हैं नारियल का, ताड़ का, एकदम सजावट क्या हुआ है, एकदम खूबसूरत। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए घूमने के लिए, और कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं पड़ रहा, तेलुगु या फिर एक और लैंग्वेज है तमिल, यही दो लैंग्वेज इधर ज़्यादा चलती है। लेकिन एक बात तो है गाइस कि साफ सुथरा बहुत ज़्यादा है, एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। तो इधर मैं जाऊँगा नहीं, खास कुछ चीज़ें नहीं है, वैसे तो मैं हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर वही सब घर है, फिर भी जाके देख रहा हूँ क्या है नहीं है, क्योंकि इन सब जगहों पर हर समय आना नहीं होता है, कभी कभी मौका मिलता है। और वैसे भी मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, इसलिए तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको दिखाते रहूँगा। तो इधर क्या है नहीं है, बस बंद है, लॉक किया हुआ है। ये जो आप घर देख पा रहे हैं ये है डायरेक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। अंदर जाने की परमिशन है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक इसके अंदर बुक वगैरह है, जैसे कोई लोग जा नहीं रहा तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अलाउ नहीं है अंदर जाने का। तो मैं अंदर जाने की प्रयास किया था तो मना कर दिया। मना करने का कहीं ना कहीं कोई रीज़न होंगे, बाकी इधर देखिए
अब मैं जा रहा हूँ इधर जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सब जगह जाने में अलग ही मज़ा आता है। एकदम प्रकृति वाली फीलिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे ही है, कितनी भी धूप पड़ जाए ठंड तो महसूस होगी ही होगी, जबकि अभी काफ़ी धूप पड़ रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कपल्स हैं, लेकिन उतना नहीं है। जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा, कोई भी चीज़ है छुपाने के लिए प्रयास बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो कुछ है मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग देखें और ऐसी जगह पर आए कि इन सब जगहों पर क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नज़र आता है। एक बात तो है कि कहीं कहीं कपल भी नज़र आ रहे हैं, बट उतना नहीं जितना कि दिल्ली में बम्बई में होते हैं, बहुत कम ना के बराबर। और अभी धूप पड़ रही है इस वजह से दिख नहीं रही है, या फिर अलग इसका टाइमिंग है वो तो मुझे नहीं पता है। फिर भी जो कुछ है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देख। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाप। ये यहाँ पर है और एक जगह पीछे भी था। खैर इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो आ गया तो मैं हटा नहीं सकता हूँ, पहले ही बता दिया। लेकिन ये सब शुक्र। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन वाली जगह है। आकर बैठिए, और इधर एक घर है, और इसका मतलब क्या है नहीं है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्हीं की लैंग्वेज, अगर इंग्लिश में लिखी हुई थी कुछ समझ भी आती। इधर कुछ नहीं है इसलिए इधर नहीं जाऊँ।